वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आप अपनी फोटो का एआई अवतार फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, मींस अपने नॉर्मल फोटोज को कैसे एआई अवतार फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, ठीक है। और बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो AI अवतार फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें जस्ट ना प्ले स्टोर पर आना होगा एंड डिस्कॉर्ड सर्च कर लेना है, क्योंकि यार इसी एप्लीकेशन में हम एडिटिंग करने वाले हैं। तो डिस्कॉर्ड सर्च करेंगे एंड उसके बाद इसे आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद इसमें हमें लॉग इन करना है एंड उसके बाद एडिटिंग करना है। डिस्कॉर्ड को ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद अगर आप न्यू हो तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना एंड अगर आप ओल्ड हो मीन्स पहले से अगर आपको लॉगिन है इसमें अकाउंट तो लॉगिन पे क्लिक करना। रजिस्टर बटन पर ईमेल आईडी सही करना है, ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि बाद में इसे वेरीफाई भी करना होता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना देन उसके बाद यहाँ पर जस्ट आप अपना यूजर नेम कुछ सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद एक अच्छा सा स्ट्रांग पासवर्ड को यहाँ पर ऐड करना, क्योंकि अगर स्ट्रांग पासवर्ड नहीं ऐड करोगे ना तो यार अकाउंट बनाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो कोई स्ट्रांग पासवर्ड ऐड कर देना और पासवर्ड को थोड़ा हो सके तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद जस्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, 18 साल से थोड़ा बड़ा डाल देना, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ कैप्चा करके आएगा, ठीक है। तो जो भी मीन्स बोलेगा सेलेक्ट करने के लिए उसे सेलेक्ट कर लेना। कैक्टस के लिए मेरे को बोला है सेलेक्ट करना तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डन हो जाएगा, मीन्स हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट हो चुका, उसके बाद चाहो तो कोई प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, सो कर लेना एंड उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देख सकते हो हमारा अकाउंट जो इसमें बन चुका है, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, यहाँ पे आपको क्रोम को ओपन करना या फिर कोई भी ब्राउजर को ओपन करना और जस्ट इसमें आके आपको सर्च करना, ठीक है, मीड जर्नी, ठीक है। मीड जर्नी आपको यहाँ पे सर्च कर देना, आपका स्टार्टिंग में जो वेबसाइट आएगा इसके अंदर आपको इंटर हो जाना होगा। देन सिंपली से आपको यहाँ पे ज्वाइन द बेटा के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। बीटा होता है यार, बेटा नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद जस्ट मीन्स इन्वाइट को एक्सेप्ट कर लेना है एंड हुमेन हो तो हाँ कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे कैप्चा करना होगा, मीन्स ये वाला कैप्चा को फिल करना होगा, तो देख लो यार उसके बाद यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। मुझे जो बोला है कैप्चर करने के लिए उन सभी को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद वेरीफाई करता हूँ और अच्छे तरीके से करना भाई, अगर मीन्स गलत ये वाला किया ना तो फिर से आपको वेबसाइट में जाना होगा एंड फिर से करना होगा, ओके। तो देन उसके बाद इसमें हम ऐड हो चुके। नाउ यहाँ पे ना आपको एक खुद का सर्वर आपको बनाना होगा, ठीक है। एक छोटा सा सर्वर हमें बनाना, कुछ करना नहीं इसके लिए, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट ओन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। देन फ्रेंड वाले को सेलेक्ट करना और कुछ नहीं करना है, नाम हमें सब करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। देन उसके बाद स्किप करेंगे। सो सर्वर क्रिएट हो चुका है हमारे, ठीक है। नाउ उसके बाद हमें ना अपने ईमेल को वेरीफाई करना होता है, तो प्रोफाइल में हम आते हैं एंड उसके बाद अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना आपका एक वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैंने पहले से कर लिया था जिसके कारण कि वेरीफाई का ऑप्शन चला गया है, तो अब वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है जस्ट वहां पे एक मेल आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का करके देख सकते हो ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना कि आप वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना, आपका जो ईमेल होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वर क्रिएट हो चुका, देन यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ये आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये पर्सन वाले आइकन के ऊपर। देन उसके बाद मिड जर्नी बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एड टू सर्वर के ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट सर्वर को सिलेक्ट करके अपना सर्वर को सिलेक्ट कर देंगे एंड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देन ऑथराइज कर देना है, ओके। नाउ उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे बैक करना होगा, ठीक है। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आ जाना एंड आपको यहाँ ना एक जनरल का ऑप्शन मिलेगा, ओके। तो जनरल के ऊपर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नहीं आएगा, ये सब मैंने मीन से पहले से यहाँ एडिट करके रखा हो इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, आपका बिल्कुल ब्लैंक पेज रहेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके इसे अलाउ कर देना है और अपनी फोटो को यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। तो जो भी फोटो आप एडिट करवाना चाहते हो उस वाले फोटो को जस्ट यहाँ पर अपलोड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना एक फोटो अपलोड करता हूँ, ये वाला, ठीक है। एंड उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो फोटो होगा वो थोड़ा देर के बाद यहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, अपलोड हो चुका, ठीक है। नाउ उसके बाद अपने फोटो के ऊपर आपको टैप करना होगा एंड थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। शेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो मे बी यार आपको यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन मिले, और अगर कॉपी लिंक का ऑप्शन नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे सेलेक्ट करना, किसी को भेज देना इस तरीके से, मीन्स ऐसे सेंड करोगे तो लिंक दिख जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो कॉपी किया एंड उसके बाद फिर से इसे ओपन करेंगे,
देन बैक करके जस्ट यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना है, ठीक है। अब इस मैसेज में आपको ये लिखना है, जस्ट यहाँ स्लैश के ऊपर क्लिक करो एंड उसके बाद इमेजिन लिख लो, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन जैसे आप लिखोगे तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने लिंक को कॉपी किया है उस वाले लिंक को जस्ट यहाँ पे आपको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको ये जो कॉमा का ऑप्शन मिलता है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है साइबर पंक। उसके बाद अगर आपको कैट चाहिए तो विथ कैट लिख दो। आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि सिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सब चीजों को लिख लेना एंड उसके बाद जस्ट इसके ऊपर डबल टैप कर देना, ठीक है। ये वाला पर देख लो, ठीक है, एक बड़ा रहता है और एक छोटा रहता है, तो ये छोटा वाले के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद एक बार क्लिक करके जस्ट वी लिखना। वी लिखने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसे कर देना है सेंड। सेंड करोगे तो मे बी आपको बोलेगा कि यार ज्वाइन करने के लिए, तो आपको ज्वाइन कर लेना, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे। मुझे ऐसा नहीं करने के लिए बोले क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया था तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। कुछ करना नहीं होता, जस्ट ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना, हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ बोले थोड़ा सा वेट करने के लिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो वेट करने के बाद आप देख सकते हो इसने स्टार्ट कर दिया है हमारा काम, मीन्स 0% ही अभी तक हुआ है लेकिन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि थोड़ा देर के बाद यहाँ पे एडिट करके हमारे फोटो को तुरंत दे देने वाला है। सो हम वेट करते हैं और ये यार बिल्कुल HD में होता है, ठीक है, या फिर यू बोलो 4K में होता है, ये 100% हो जाए। देन उसके बाद मैं आपको इसको आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। 100% हो चुका ना, उसके बाद इसके अंदर में जाऊं एंड उसके बाद आप देख सकते हो भाई साहब कितना भयानक तरीके से इसने एडिट कर दिया, ठीक है, हमारी फोटो को। तो इस तरीके से करके आप अवतार को बना सकते हो। अब उसके बाद डिवाइस में सेव करना है तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना, तो हो जाएगी सेव, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो।